अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आई एम उमर फारूक फ्रॉम इंटीरियर एट। आज की वीडियो में हम लोग 3D इंटीरियर डिजाइनिंग सीखेंगे फ्रॉम स्क्रैच। बहुत ज़्यादा इजी वे में सीखेंगे, बहुत ज़्यादा इजी सॉफ्टवेयर के थ्रू सीखेंगे। सॉफ्टवेयर का नाम है लाइव होम 3D और मैं इस सॉफ्टवेयर का ऑफिशियल इंस्ट्रक्टर हूँ। हम लोग इस सॉफ्टवेयर के ऊपर तकरीबन 2.5-3 साल से ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारे लाइव सेशंस होते हैं और हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हमसे ट्रेनिंग ले चुके हैं लाइव सेशन पे। अब लाइव सेशंस के साथ साथ हम लोगों ने यूट्यूब पे भी अपनी ट्रेनिंग सेशंस को अपलोड करना शुरू करा है और ये हमारी पहली वीडियो है उस हवाले से। और हम एग्जैक्टली वही चीजें सिखाएंगे जो हम अपने लाइव सेशंस में ऑलरेडी सिखा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप आएंगी। ऑब्वियसली हमारे लाइव सेशंस जो होते हैं वो 1 घंटे के होते हैं। अब 1 घंटे की हम वीडियो यहाँ पे नहीं बना सकते बिकॉज उस पर इंटरेस्ट लूज हो जाता है जरा देखने वालों का, तो हमारी छोटी छोटी वीडियोज होंगी बट आप लोगों को सीखने को पूरा मिलेगा। अच्छा, कुछ बातें मैं सॉफ्टवेयर के बारे में बता दूंगा, कुछ खूबियां सॉफ्टवेयर के बारे में बता दूंगा। इस सॉफ्टवेयर में हमारे पास बहुत बड़ी एक बिल्ट इन लाइब्रेरी है जिसमें हम बहुत सारे मटेरियल्स उसके अंदर से हम यूज कर सकते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मॉडल्स वगैरह हम उसमें से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास इंटरनेट पे बहुत बड़ी एक लाइब्रेरी मौजूद है जिसके थ्रू हम लोग इम्पोर्ट कर सकते हैं बहुत सारे मटेरियल्स को। प्लस इस सॉफ्टवेयर के लिए आपके पास कोई हैवी सिस्टम होना जरूरी नहीं है। इस सॉफ्टवेयर पे आपके पास बिल्ट इन रेंडरिंग ऑप्शन मौजूद है, एक ऐसी रेंडरिंग जो कि प्रेजेंटेबल है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा रियलिस्टिक है बट प्रेजेंटेबल है। लेकिन जिसको इस सॉफ्टवेयर पे काम करने के बाद लगता यह है कि वो रेंडरिंग बहुत ज्यादा प्रोफेशनल नहीं है, तो आप इस सॉफ्टवेयर पे पूरा डिजाइन बनाने के बाद किसी भी रेंडरिंग सॉफ्टवेयर पे जाके उसको रेंडर कर सकते हैं, लाइक ट्विन मोशन, लोमियन, वीरे, किसी में भी आप जाके उसको रेंडर कर सकते हैं। अच्छा, सॉफ्टवेयर पे जाने से पहले मैं आप लोग को ये बताता चलूं कि विंडोज यूजर्स के लिए और आईपैड यूजर्स के लिए वीडियोस ऑलरेडी मौजूद हैं जो कि इंटरफेस है सॉफ्टवेयर का, उसके टूल्स के बारे में, तो उसके लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहां से जाके आप विंडोज यूजर्स और आईपैड यूजर्स देख सकते हैं। मैकबुक यूजर्स ऑलरेडी इस वीडियो से टूल्स सीख सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ। ओके गाइस, जब आप लाइव होम 3D प्रो को ऑन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से स्क्रीन आएगी। आपके पास सामने कुछ ब्लैंक टेम्पलेट्स नजर आ रहे हैं, देन सैंपल रूम्स, सैंपल हाउसेस, अपार्टमेंट्स। हम एक अभी ब्लैंक टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे। अभी हम एक रूम ड्रॉ कर रहे हैं तो हमने रूम स्केल सेलेक्ट करना है, डबल क्लिक करना है और हम अपनी वर्किंग स्क्रीन की तरफ आ जाएंगे। वर्किंग स्क्रीन पर आने के बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ राइट पे ऑप्शंस मौजूद हैं और कुछ लेफ्ट पे ऑप्शंस मौजूद हैं। लेफ्ट पे पहले ऑप्शन पे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास जो आ रहा है वो है ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी। ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी में हमारे पास यहाँ पर डोर्स, विंडोज, बेड्स, सोफा, चेयर्स और इस तरह के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। नंबर टू इज मटेरियल लाइब्रेरी। मटेरियल लाइब्रेरी में जब हम जाके देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे वो चीजें हैं जो हम अपनी वॉल्स में या अपने फ्लोर पे या अपने फर्नीचर पे अप्लाई करते हैं, लाइक कारपेट्स, फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, वॉल पेपर, फैब्रिक्स और बहुत कुछ। एंड थर्ड ऑप्शन इज प्रोजेक्ट ट्री। प्रोजेक्ट ट्री बेसिकली हमारी लेयर्स होती हैं जो हम यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, उसकी यहाँ पे लेयर्स ऑटोमेटिकली बनती जाती हैं और यहाँ से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक हम उसको ऑफ कर सकते हैं या हम उसको लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। अच्छा, वर्किंग स्टार्ट करने से पहले आपने जाके प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाके अपने मेजरमेंट यूनिट्स को चेंज करना है। जब आप लोग सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे तो हो सकता है आप लोगों के पास यूनिट्स जो हैं वो मीटर्स में आ रहे हो और पाकिस्तान के अंदर आपके पास जो काम होता है वो फीट एंड इंचेस पे होता है, तो हमने फीट, इंचेस एंड फ्रैक्शनल को सेलेक्ट करना है और उसके बाद अपनी वर्किंग स्टार्ट करनी है। अच्छा, अब हमने रूम को ड्रॉ करना है। रूम को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास यहाँ पे बिल्डिंग के नाम से एक ऑप्शन है। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास सामने नजर आएंगे। हमने सबसे पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, दैट इज रूम, और उसके बाद हमने अपनी मेन स्क्रीन पे माउस को ड्रैग करके एक रूम क्रिएट कर लेना है।
अब ये हमारा रूम क्रिएट हो गया है और इस रूम के बाहर अब आप कहीं पे भी माउस से क्लिक करते हो। अब इस रूम की वॉल्स की थिकनेस मुझे चेंज करनी है। मैं इस रूम को एक बार किसी भी वॉल पे माउस को ले जाके सेलेक्ट करूंगा तो मेरा पूरा रूम सेलेक्ट हो जाता है। राइट साइड पर हम देखते हैं, जो हमने प्रॉपर्टीज देखी थी उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टीज के अंदर हमारे पास साइजेस चेंज करने के ऑप्शंस होते हैं। अब यहां से हमने थिकनेस को चेंज करना है। फॉर एग्जांपल मुझे अगर 8 इंचेस की यहाँ पे थिकनेस चाहिए इस रूम की वॉल्स की, तो यहाँ पे मैं 8 और इंच का साइन टाइप करूंगा, देन एंटर। ये मेरी सारी वॉल्स 8 इंचेस थिकनेस पर हो चुकी हैं। अब इसके बाद मुझे इस वॉल का साइज अगर चेंज करना है तो मैं एक बार सेलेक्ट करूंगा तो मेरा पूरा रूम सेलेक्ट होता है, और सेकंड टाइम अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं तो ये सिंगल वॉल सेलेक्ट हो जाती है। अब यहां पे हम देखते हैं तो लेंथ लिखी हुई आ रही है, हमने इसकी लेंथ को चेंज करना है। इसको सेलेक्ट करेंगे जो ओल्ड लेंथ लिखी हुई है। अब हमने अपनी जो भी इस वॉल की लेंथ रखनी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे 14 फिट की लेंथ चाहिए तो मैं 14 और फिट का साइन एंटर करूंगा, और उसके बाद मैं दूसरी वॉल पे को सेलेक्ट करूंगा इसी तरीके से, लेंथ को चेंज करूंगा। लाइक मुझे यहाँ पे 16 फिट चाहिए है तो 16 फिट एंड एंटर। ये मेरे पास एक रूम 14x16 का रेडी हो चुका है। अब मैं इसको 3D में व्यू कर लूंगा। मेरा रूम 3D में रेडी हो चुका है मेरा लेआउट बनाने के साथ साथ। एक्सट्रीम राइट पे टॉप पे आपके पास ऑप्शन है 3D व्यू का, इसको हम क्लिक करेंगे और ये हम अपने 3D व्यू पर आ चुके हैं और ये हमारा रूम रेडी हो चुका है। इस रूम के अंदर से हम इसको व्यू कर लेते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर कीबोर्ड की कीज आ रही हैं, जिसको देखते हुए आपने अपने कीबोर्ड को यूज करना है किस तरीके से आप रूम को व्यू कर सकते हैं, वॉक थ्रू कर सकते हैं। कीबोर्ड के अलावा हमारे पास मेन स्क्रीन पे भी वॉक कंट्रोल का ऑप्शन मौजूद है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कीबोर्ड से प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि आपका काम बहुत ज़्यादा इजी वे में होगा। हम 2D में वापस जाते हैं और इस रूम को सेलेक्ट करके डिलीट का बटन प्रेस करके इसको डिलीट कर देंगे। अब हम सेकेंड ऑप्शन पर जाते हैं, अगेन हम बिल्डिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास स्ट्रेट वॉल। स्ट्रेट वॉल से आपने अपनी मेन स्क्रीन पर आके माउस को ड्रैग करना है, स्ट्रेट एक वॉल क्रिएट करनी है और माउस को यहाँ पे लाके ब्रेक करना है, देन सेकेंड वॉल हम क्रिएट करेंगे, थर्ड वॉल हम क्रिएट करेंगे, देन फोर्थ। ये रूम हमारा एक स्ट्रेट वॉल को यूज करते हुए क्रिएट हो चुका है। इसको भी हम जाके 3D में व्यू कर लेते हैं। राइट, 2D में हम वापस आते हैं और अपने रूम को सेलेक्ट करते हैं, सिंगल वॉल को सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ से हम अपने रूम की लेंथ सेम उसी तरीके से चेंज कर सकते हैं। लाइक इस रूम की लेंथ मुझे चाहिए, इस वॉल की इनफैक्ट मुझे लेंथ चाहिए है 20 फीट की, और इस वाली वॉल की मुझे लेंथ चाहिए है 16 की, तो 16 फिट का साइन एंटर। ये हमारा एक 20x16 का रूम रेडी हो चुका है। अच्छा, ये जो ऊपर पैन के नाम से एक ऑप्शन है, इससे आप अपनी स्क्रीन को ड्रैग कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं, लेफ्ट राइट कर सकते हैं, और माउस के स्क्रॉलर से आप अपनी स्क्रीन को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। कॉमेंट बॉक्स में आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा, ताकि आप लोगों के पास हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।